सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर भव्यता से छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति एवं जनसेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में भगवान गणेश उत्सव पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। समिति द्वारा यहां व्यापक तैयारियां की जा रही है। गणेश पंडाल को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। गणेश पंडाल में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होगी। समिति द्वारा गणेश उत्सव पर्व को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं सामदेव साहू, छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश जनसेवा समिति का संरक्षक हूँ। हमारे द्वारा ये पूजा का ये दूसरा वर्ष है और ये हम पूजा बहुत भव्य तरीके से करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और समय से पहले हम चाहते हैं कि हमारा ये जो पंडाल है तैयार हो जाए। अब खास तो ऐसा भिलाईवासियों के लिए कोई खास नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आज से नहीं, जब से मेला लगते हुए कम से 10 से 15 साल से तब से देखते हुए आ रहे हैं और जो नया रहता है वो हम लाने का प्रयास करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था ऐसा ही की जाएगी कि उनको किसी प्रकार की परेशानी मत हो। हम लोग चाहते हैं कि पानी का भी व्यवस्था करें, क्योंकि पानी की भी नहीं उनको नहीं मिल पाता। शौचालय की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि कम से कम हमको एक शौचालय के लिए एक जगह मिल जाए, जिससे क्या है श्रद्धालु आते हैं तो उनको इधर उधर भटकना पड़ेगा। नहीं, हम लोग ने बात नहीं किया, लेकिन हम लोग ने अपने पार्षद हैं यहाँ के सुभद्रा सिंह, उनसे बात किए थे कि हम लोग को एक शौचालय की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला था कि करेंगे करके, और समय आ गया है तो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट समय में ऐसा हो जाए करके। आरती का समय सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। से गणेश भगवान से ये कामना करते हैं कि भगवान जो हमारी जो परेशानी है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे भिलाई के वासी हैं, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, भारत के वासी हैं, उन सब की परेशानी दूर हो जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, बस सबका साथ रहे और भय का वातावरण मत रहे।